रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का इंग्लिश बुक बिहाइव से द रोड नॉट टेकन पोयम का फुल समरी देखेंगे। सबसे पहले पोएट के बारे में जानते हैं। इस पोएम के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जिनका जन्म 1874 में हुआ और मृत्यु 1963 में। ये सैन फ्रांसिस्को में जन्म लिए थे और ये अपना एडल्टहुड बहुत ज्यादा न्यू इंग्लैंड का जो रूरल एरिया था वहां पे उन्होंने व्यतीत किया था। उन्होंने बहुत सारा अटेम्प्ट लिखने के दौरान किया था। वो फार्मलैंड पे काम करते थे, बहुत सारे विद्यालय में भी पढ़ाया, लेकिन फाइनली 1913 में उनका पहला बुक पब्लिश हुआ। धीरे धीरे वो कंट्रीज बेस्ट लव्ड पोएट बन गए। इन्होंने एकदम ट्रेडिशनल पैटर्न अपनाया पोएम लिखने के लिए और उन्होंने पुराने फैशन के माध्यम से चीजों को नए करने का प्रयास किया और इसी के वजह से वो कंट्रीज बेस्ट लव्ड पोएट बन चुके थे। इनका फेमस जो वर्क है और पोयम है वो है स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल, द रोड नॉट टेकन, और भी बहुत सारी इनकी कविताएं हैं जो कि वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। आइए हम पोयम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेंजा 1। टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर अलोंग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो एक ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं जहां से दो रोड्स निकले हुए हैं। जहां पे वो खड़े रहते हैं वो एक फॉरेस्ट रहता है जो कि येलो लीव्स वाले पेड़ से भरा रहता है और इससे ये पता चलता है कि वो ऑटम सीजन रहता है। क्योंकि जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो दोनों रास्तों पे एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत देर तक उस पॉइंट पे खड़े रहे, उस जंक्शन पे खड़े रहे जहां से दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे अलग अलग डायरेक्शन में। वहां पे काफी समय तक खड़े होने के बाद वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन से रास्ते को सेलेक्ट करना चाहिए। एक रोड पे जितना उनके अंदर क्षमता था देखने का उन्होंने देखा और उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा जगह है जहां से रास्ता मुड़ गया है और डिसअपीयर्ड हो गया है वाइल्ड बुशेस की तरफ। स्टैंजा 2। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीम बिकॉज इट वॉज ग्रासी and wanted wear though as far that the passing there had won them really about the same। second stanza mein jo poet hain dono raston ko dekh rahe hote hain wo decide karte hain ki unhe dusra rasta lena chahiye। wo isliye decide karte hain kyunki wo bahut grassy rehta hai aur us pe log chale nahi hote hain। jo poet rehte hain wo bahut adventurous type ke hain aur wo usi raste pe chalna pasand karenge jis raste pe aur koi chala na ho। अगर बात करते हैं ट्रैवलर की तो ऐसा नहीं था कि दोनों रास्ते एक ही जैसे थे, नहीं, एक कम चला हुआ था एक ज्यादा, एक पे ग्रास था और एक पे ग्रास बिल्कुल भी नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि हमें उस रास्ते को सेलेक्ट करना चाहिए जिस रास्ते पे अधिक लोग नहीं चले हैं। स्टैंजा 3 में देखेंगे पोएट इसमें बता रहे हैं जो दोनों रास्ते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और ये चीज उन्होंने मॉर्निंग में नोटिस किया और उस सुबह के समय में वो ये नोटिस करते हैं कि कोई भी लीफ, चूंकि ये पतझड़ का महीना रहता है और उस समय सुबह में कोई भी उस रास्ते से नहीं गया होता है और इसका साक्ष्य कब मिलता है जब वो कहते हैं कि कोई भी पत्ता क्रश नहीं हुआ था, किसी के पैरों से दबा नहीं था और वो रास्ता पत्तों से कवर्ड रहता है। जो पोएट है वो डिसाइड करते हैं कि एक रोड को एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए, दूसरे वाले रोड को अगले दिन के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि एक रास्ते को अगर आज मैं कवर कर लेता हूं तो मैं रिटर्न आऊंगा और दूसरे को कवर करूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक रास्ते पे आप निकल गए तो उस रास्ते से फिर वापस आके दूसरे रास्ते को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पोयम में पोएट जिंदगी के बारे में बताया है और ये जो दो रास्तों की बात हो रही है, एक बहुत ज्यादा ग्रासी है और एक ग्रासी नहीं है, एक बहुत कम चला गया है और दूसरे पे लोग बहुत ज्यादा चले हैं। ये जिंदगी की बात बताई जा रही है कि ये जो रास्ता है ये रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, हमारे उस एम का रास्ता है जिस एम के लिए, जिस गोल के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और जब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उस गोल को पा लेते हैं तो फिर जिंदगी अलग हो जाती है। क्योंकि वो इसलिए उस कम चले हुए रास्ते को सेलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहीं से उनको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाता है। हम देखें कि किस तरीके से जो लोग महान हुए वो इन दोनों रास्ते में से एक ही रास्ते को सेलेक्ट किया, which was less travel, जिस पे सब लोग नहीं जा पाए उस रास्ते पे वो लोग गए और फाइनली वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कराए। फोर्थ स्टैंजा है, पोएट अपने सक्सेस के बारे में श्योर नहीं थे कि जिस
चॉइस को और जिस रास्ते को वो सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उस पर चल के उन्हें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो श्योर बिल्कुल भी नहीं थे। उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर एक रास्ते को मैं छोड़ के दूसरे पे जा रहा हूं तो हमें रिग्रेट भी करना पड़ सकता है। और उन्होंने ये बताया कि उन दोनों रास्तों में से मैं वही रास्ता सेलेक्ट करना चाह रहा हूं जो कि लेस ट्रेवल्ड है, और जब मैं लेस ट्रेवल्ड रास्ता अगर अपनाता हूं तो वही हमारे जिंदगी में एक अलग सा डिफरेंस लाएगा। कितने लोग हैं, उन लोगों में हमारी पहचान बनाएगा और हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। और यहाँ पे आपका पोयम समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।